महाराष्ट्र के बुलढाणा से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। समृद्धि एक्सप्रेसवे पर देर रात एक चलती बस में आग लग गई। ये आग बस के ब्रिज से टकराने पर डीजल टैंक के फटने से लगी। बड़ी मुश्किल से कुछ लोग बस से निकलने में सफल हो पाए। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया है। ये जो बस है कल नागपुर से चली थी रात को, ये विदर्भ ट्रैवल बस है और ये आज सुबह 1:35 पे यहाँ समृद्धि हाईवे पे सिंकेट राजा के करीब ये एक पोल से टकराई। रोड के नीचे थोड़ा सा पोल है, उसको टकराई। उसके बाद सामने एक ब्रिज है, उससे जाकर टकराई है। और जब टकराई तो उसका डीजल टैंक जो है वो फूट गया। उसके बाद डीजल फिल हो गया गाड़ी में और उससे जो आग लगी है और गाड़ी आगे आके टिल्ट हो गई है। जो आग लगी है उसमें लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। एक साथ 8 लोग गाड़ी से निकले हैं, इस तरह कोशिश करके अपनी जान बचाई। लेकिन बदकिस्मती से 25 लोगों की उसमें मौत हो गई है। और ये मौत एक्सीडेंट से ज़्यादा जलने से मौत हो गई है, बिकॉज ऑल द बॉडी का चार्ज बैटरी चार्ज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।